तो शुरू करते हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेज। ये क्लास सिक्स साइंस का पांचवा चैप्टर है। मीनिंग समझते हैं सेपरेशन। सेपरेशन माने होता है अलग करना। अगर कोई चीज़ तुम्हें दी गई है, उसमें दो तीन चीज़ें मिली हैं, जैसे घर में चावल है, चावल पकाने से पहले उसमें से इम्प्योरिटीज़, जैसे पत्थर है या दूसरे कोई इम्प्योरिटीज है, उसको अलग करते हैं, सेपरेशन है। मिल्क दूध है, दूध से हम लोग क्रीम निकालते हैं, घी निकालते हैं, सेपरेशन है। सब्सटेंसेज का मतलब होता है कि कोई पार्टिकल, हिंदी में बोलो तो कोई पदार्थ, कोई चीज़। हवा है, हवा को देखा जाए तो हवा अपने आप में, उसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अदर गैसेज हैं, धूल है, धुआं है, इतनी सारी चीज़ें हैं। तो उनको सेपरेट किया जाएगा, अलग किया जाएगा। अगर किसी पेशेंट को ऑक्सीजन देना है तो ऐसे तो हवा लेके दे नहीं देंगे, एयर में से ऑक्सीजन को सेपरेट किया जाएगा, उसके बाद दिया जाएगा। तो सेपरेशन का मतलब ये हुआ। अब सेपरेशन समझने के लिए सबसे पहले कुछ बातें देख लेते हैं। पहले तो ये कि ये हमारा पहला सेशन है। नोट्स की बात करें तो इसको इस तरह पॉज करके, वीडियो को रोक के नोट्स भी लिख सकते हो, बना सकते हो, नोट्स ऐसे बना सकते हो। पहली जो हमारी हेडिंग है वो क्या है, प्योर सब्सटेंस। कि प्योर सब्सटेंस क्या है, अब देखा जाए तो प्योर सब्सटेंस जैसे आयरन है, यहाँ पे आयरन दिया है, तो आयरन में तो आयरन ही है, आयरन में कुछ और तो है नहीं। आयरन में अगर दूसरा कोई मेटल हो, जिंक हो, कॉपर हो, एल्युमिनियम हो, कार्बन हो, तो वो प्योर तो नहीं कहलाएगा, वो इम्प्योर हो जाएगा। उसी तरह कॉपर है, वाटर है, वाटर में अगर ऑयल मिला दें, वाटर में मिल्क मिला दें, वाटर में ब्लड मिला दें, तो वो इम्प्योर हो जाएगा। लेकिन प्योर सब्सटेंसेज, तो हमने क्या देखा, ओनली वन काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, सिंगल पार्टिकल। सिमिलरली सॉल्ट इज प्योर सब्सटेंस। तो इस तरह से है। तो जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं वो प्योर सब्सटेंस होते हैं। एलिमेंट्स का मतलब आयरन, कंपाउंड का मतलब जैसे वाटर हो गया, सॉल्ट हो गया, ये सारे प्योर हैं। इम्प्योर सब्सटेंसेज, इम्प्योर वही है प्योर का उल्टा, कि सब्सटेंसेज कंटेनिंग मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स आर कॉल्ड इम्प्योर सब्सटेंस। यानी उसमें कोई इम्प्योरिटी हो, एक तरह की इम्प्योरिटी हो, दूसरे तरह, जैसे पॉन्ड वाटर, तालाब का जो पानी होता है, किसी गड्ढे का पानी है, उस पानी में मिट्टी भी होता है, जर्म्स भी होते हैं, सैंड भी होते हैं, तो वो पानी प्योर तो नहीं, इम्प्योर है। उसी तरह मिल्क है, मिल्क की बात किया तो मिल्क में मिल्क तो होता नहीं है, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, कैल्शियम वगैरह होते हैं, है ना। वैसे ओवरऑल देखो तो उसमें से घी निकलता है, मक्खन निकलता है, तो मिल्क प्योर नहीं कहलाएगा। अगली चीज़ है कि अब हमने देखा कि कोई चीज़ प्योर होती है या इम्प्योर होती है। तो जो चीज़ प्योर होती है उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होता। तो इम्प्योरिटी होता क्या है, इम्प्योरिटी कुछ अनवांटेड पार्टिकल होते हैं, अनवांटेड, जिनकी ज़रूरत नहीं होती लेकिन फिर भी वो आ जाते हैं तो इम्प्योर हो गया। अब जैसे पानी है, पानी में मिट्टी की ज़रूरत तो है नहीं, वाटर अपने आप में प्योर है, लेकिन उसमें मिट्टी आ गई, अनवांटेड पार्टिकल है, तो इम्प्योर हो गया। तो इम्प्योरिटी कोई ऐसी चीज़ होती है जो अनवांटेड होती है। नोट्स लिख सकते हो देख देख कर। अब हमें नेक्स्ट चीज़ जो पढ़नी है वो है मिक्सर्स। मिक्सर्स को हिंदी में बोलते हैं मिश्रण, मिला जुला, मिलावट। अब वही बात हो गई कि विच कंटेन मोर देन वन काइंड ऑफ कंपोनेंट मिक्सड इन एनी रेशियो। मतलब मिक्सर कोई ऐसी चीज़ होती है जिसमें कि एक या एक से ज़्यादा चीज़ें मिक्स हो जाए किसी भी रेशियो में। अब जैसे पानी है, पानी में हमने जो है एक ग्राम सैंड, सॉयल, मिट्टी डाल दिया,
2 ग्राम भी डाल सकते हैं, 2 चम्मच भी डाल सकते हैं, 5 चम्मच भी डाल सकते हैं, किसी भी रेशियो में, एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में उसमें अगर हम लोग मिला दें कंपोनेंट को, तो वो हम कर देंगे मिक्सचर से। जैसे खिचड़ी बनाते हैं, मिक्सचर से दाल भी डाल दिए, चावल भी डाल दिए, थोड़ी सब्जियां डाल दिए, दाल भी 2-3 किस्म का डाल दिए, तो मिक्सचर से। मिक्सचर नमकीन भी आता है, तो उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, एक मिक्स कर देते हैं, नमक चाट मसाला डाल देते हैं, मिक्सचर से हो गया। तो वही मिक्सचर से, जैसे एयर, एयर अपने आप में मिक्सचर से, तो एयर में किन कौन कौन सी चीज़ें मिक्स है, मेनी गैसेज, वो गैसेज क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, डस्ट पार्टिकल्स है, स्मोक है, मिक्सर्स हो गया। अब मिक्सर दो होता है, एक होता है होमोजीनस, होमोजीनस का मतलब होता है, और हेट्रोजीनस, और हेट्रोजीनस का मतलब दोनों में समझना बहुत आसान है। जो होमोजीनस मिक्सर होता है कैन नॉट बी सीन। अगर उसमें जैसे 1 गिलास पानी है, आधा गिलास पानी है, उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दिए और उसको मिक्स कर दिए, थोड़ी देर बाद हमें चीनी के पार्टिकल्स दिखाई देंगे, नमक मिक्स कर दिए, नमक के पार्टिकल्स दिखाई देंगे, नहीं देंगे, तो वो होमोजीनस मिक्सचर है, क्योंकि जो सब्सटेंसेज होते हैं कैन नॉट बी सीन, वो दिखाई नहीं देते। एग्जाम्पल के लिए सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर, एयर, कोल्ड ड्रिंक्स। अब एयर में हम देख तो नहीं पाते ना कि कहाँ नाइट्रोजन है, कहाँ ऑक्सीजन है, कहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये होमोजीनस है। हेट्रोजीनस में क्या होता है कि मिक्स तो करते हैं, लेकिन जो पार्टिकल्स होते हैं वो अलग-अलग दिखते हैं, अलग-अलग दिखेंगे। जैसे आधा गिलास पानी ले लें और उसमें हमने थोड़ा सा सैंड डाल दिया, सॉयल डाल दिया, मिट्टी डाल दिया, तो क्या वो मिक्स हो जाता है पूरी तरह? नहीं, हम बाहर से देखेंगे तो पार्टिकल्स जो है हमें दिखेंगे। जैसे हवा है, हवा में अचानक धुआं मिक्स हो जाए तो धुआं दिखेगा, धूल मिक्स हो जाए तो दिखेगा, तो ये हेट्रोजीनस है। समझ में आ गया? देख के नोट्स लिख सकते हो। अब आ गई बात की नीड फॉर सेपरेशन, हमें सेपरेशन की जरूरत क्या है ना, क्यों हम सेपरेट करना चाहेंगे। वी कैरी आउट सेपरेशन ऑन द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर ऑन इम्प्योर सब्सटेंस द फॉलो। हमारे ये नीचे दिए गए कुछ पर्पज हैं, कुछ उद्देश्य हैं जिनके लिए करते हैं। अब जैसे खाना पकाने से पहले गेहूं में जो है और चावल में कंकड़ पत्थर मिक्स हैं, सेपरेट करना जरूरी है ना, नीड ऑफ सेपरेशन। नहीं सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, वो भी खाने में मिक्स हो जाएगा, कुछ कीड़े मकोड़े वो भी खाने में चले जाएंगे, है ना। गेहूं चक्की में पिसवाने से पहले उसको पहले सेपरेट करते हैं, उसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती है सेपरेट करते हैं, नहीं तो चक्की में जो इम्प्योरिटीज़ है वो भी पिस जाएगी, वो भी आटे के साथ पेट में चली जाएगी। तो ज़रूरत क्या है? तो पहला, टू रिमूव द अनयूजफुल और हार्मफुल कंपोनेंट। जो अनयूजफुल और हार्मफुल कंपोनेंट है उनको बाहर निकालने के लिए। टू ऑप्टेन यूजफुल कंपोनेंट को प्राप्त करने के लिए। टू रिमूव इम्प्योरिटीज फॉर गेटिंग अ प्योर सैंपल, प्योर सैंपल बनाने के लिए। अब जैसे पानी, आरओ में पानी को प्योर करते हैं, क्योंकि जो पानी एक्चुअल में आ रहा है हो सकता है उसमें इम्प्योरिटी हो, तो जब आरओ में डालते हैं तो प्योर हो जाता है। अब उसके बाद आगे कि प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन, तो प्रिंसिपल में क्या है कि किस आधार पे, कौन सी प्रॉपर्टीज है जिसके आधार पे हम लोग प्योर करते हैं। पहली है साइज, अगर साइज बड़ी बड़ी है तो सेपरेशन करना इजी हो जाएगा, हम हाथ से जो है चुन चुन के उंगलियों से निकाल सकेंगे। अब जो मिक्सचर है उसमें 2 कंपोनेंट, एक की डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, एक की कम, तब हो सकता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है कि जब गर्म करेंगे तो जो जल्दी में, अगर उसको हीट देंगे तो जो पहले मेल्ट होगा वो अलग हो जाएगा, जो बाद में मेल्ट होगा वो रह जाएगा, जो पहले बॉयल होगा वो अलग हो जाएगा, जो बाद में बॉयल होगा उसी तरह। वोलाटिलिटी भी है एट्सेट्रा। वी यूज द डिफरेंस इन एनी ऑफ दीज प्रॉपर्टीज इन द कंपोनेंट, यानी इन चीज़ों में साइज का डिफरेंस, डेंसिटी का डिफरेंस, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस, वोलेटिलिटी
का डिफरेंस, ये डिफरेंस अगर मिक्सचर में रहेंगे तो सेपरेशन हो जाएगा, यही हमारा प्रिंसिपल है। अब मेथड्स ऑफ सेपरेशन क्या है, तो कई सारे सेपरेशन के मेथड है, बहुत सारे हैं। जैसे हैंड पिकिंग है, गेहूं से पत्थर को निकालते हैं हैंड पिकिंग। विनोइंग है, हम लोग अनाज को ऊपर से गिराते हैं तो हवा से जो हल्के भूसे के कण होते हैं, जो उसके छिलके होते हैं, उड़ जाते हैं। सीविंग माने होता है छानना, हम लोग छानते हैं, चाय छानते हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन का मतलब होता है, अगर किसी मेटल में आयरन है, किसी कचरे में आयरन है, तो आयरन को मैग्नेट खींच लेगा। सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन का मतलब होता है, किसी चीज़ को घोल दें, उसके बाद जो है थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो वो जो है बैठ जाएगा। लोडिंग का भी मीनिंग यही है। फिल्ट्रेशन माने होता है छानना, छान दिए। इवेपोरेशन माने जैसे पानी को इवेपोरेट करते हैं, सॉल्ट जब बनाते हैं तो पानी को, समुद्र के पानी को इवेपोरेट करते हैं, तो नीचे जो सॉल्ट बच जाता है। सब्लिमेशन का मतलब होता है कि एक कोई चीज़ डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जाए, डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। डिस्टिलेशन है, प्योर वाटर बनाने की एक मेथड है। कर्निंग है, जिससे दूध से, मिल्क से हम लोग क्रीम को अलग करते हैं। तो ये सारे तरीके हैं, इससे हम जो है सेपरेशन कर सकते हैं, जिनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नोट्स बनाने के लिए इसको पॉज करके यहीं से नोट्स बना सकते हो। कोई क्वेश्चन है मन में पूछ सकते हो।